Sila Durad! Ramsing ka ka! Ramsing ka ka! जी मालिक ले जाओ इसे और बंद कर दो बनवा बच्चों के साथ जाओ ओल नहीं नहीं मम्मी बचाओ ब्लॉक खोल चार्ज मार चार्ज मार नहीं मेरा बेटा नहीं ले जा सकते पापा ने बोला बगल से शाबाश बेटे सुधर शाबाश पूरा डीएनए मैच किया तुमने मूव विवान बाबू डर देख लिया इन्होंने अब क्या बोलो क्या होगा इस लड़के आगे आ रही है वन मोर है क्या हाँ चलो आ जाओ कोई हटे राइट बस बेचारे बाइक वाले को उड़ा दिया साइलेंस है लाइन में ध्यान देता नहीं है डायलॉग में वन मोर बिना काम होता नहीं है एक नंबर थकले सो रहे भी थकले ऑर्डर रोल राइट में थकले बस ठीक है मालिक राइट में जाओ निलेंजेस अरे विमान वही मोटर कंटिन्यू देख दिया इसने एक्शन विवान बाबू तुम ये क्या कहते हो विवान बाबू क्या बोलूं क्या बोलूं कुछ बोल नहीं पाता है क्या बताऊं क्या करूं चोर जी पकड़ी गई है तो हम पहले भी ये देख रहे थे चोर से मत बोलो वरना कोई सुन लेगा ना तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा समझी तुम्हारा कौन सा प्लान चौपट हो जाएगा ये जो तुम्हारी हां लाइन बोल ए उसको साइलेंस करा तू जोर से बोल रहा रोलिंग एक्शन हम तो पहले भी तुमका यहां देख रहे हैं हम तो पहले भी तुमका यहां देख रहे हैं जोर से मत बोले इमली वरना कोई सुन लेगा ना तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा समझी तुम्हारा कौन सा प्लान चौपट हो जाएगा ये जो तू जो तुम्हारे दोस्त है ना इसे दरवाजे पे पॉइंट करना हाँ ये जो तुम्हारे साथ जिन्हें बड़े पापा ने बंदूक बना के रखा है उन्हें हम कैदी से छुड़ाने आए हैं क्लैरिटी रोलिंग आवाज मत करो लाइन बोलो साइलेंस सीरियस एक्शन ये जो सारे तुम्हारे दोस्त हैं जिन्हें बड़े पापा ने बंदूक बना के रखा है उन्हें हम कैद से छुड़ाने आए हैं कैद से छुड़ाने तुम अपने दोस्तों के लिए ऐसा बोल रही हो तुम्हें तो हमारी मदद करनी चाहिए नहीं हम तुम्हें कोई मदद नहीं करी है वाली तुम चुपचाप यहां से चले जाओ नहीं तो हम राम सिंह का बुला ले है ठीक है बुला लो अरे ठीक है बोल ठीक है बोल ठीक है तुम यहां से चुपचाप चले जाओ नहीं तो हम राम सिंह का बुला ले है ठीक है बुला लो लेकिन एक बात सोच लेना अगर तुम्हारी बहन चकोरिया होती ना तो तुम पे बहुत गुस्सा करती वो तो यहाँ पे है भी नहीं वो हम पे गुस्सा नहीं कर सकता वो तो हमको छोड़ के जा चुकी है सोच लो अगर तुम्हारी बहन वो विवान थोड़ा राइट में आ चला जाके बोल दो लेकिन एक बात सोच लेना अगर तुम्हारी बहन वो चकोरिया होती ना अरे यार तुम्हारी ठीक है जाके बोल दो लेकिन एक बात सोच लेना अगर तुम्हारी बहन वो चकोर होती ना तो तुम पे बहुत गुस्सा करती पर वो हम पर गुस्सा नहीं कर सकता है वो तो हमको छोड़ के जा चुकी है चकोर यहाँ नहीं है इसलिए हमें इन बच्चों की और ज्यादा मदद करनी चाहिए सोचो अगर ये सारे बच्चे मकर संक्रांति में अभी समझाती हूँ चकोर यहाँ नहीं है रोमी इसलिए हमें और हटे राइट चकोरिया नहीं है तो हमें इन सब बच्चों की ज्यादा मदद करनी चाहिए और भी इनकी मदद करनी चाहिए चकोरिया नहीं है तो हमें इनकी और भी मदद करनी चाहिए सोचो अगर मकर संक्रांति में ये बच्चे अपने माए बापू के पास हो गए
तो सबको कितनी खुशी होगी। तुम्हें पता है पिछले साल कितना मजा आया था। वापिस आते मकर संक्रांति होगा, मकर संक्रांति हो गया, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति ठीक है। और पिछले सोच लो अगर ये सब बच्चे अपने माँ ही बापू के पास मकर संक्रांति में होंगे तो अपने माँ बच्चे मकर संक्रांति पर सोलर पे मक्खी हटाओ। हाँ टिक नंबर 15 क्या रोलिंग डिस्ट्रैक्ट मत हो विमान अच्छा करो रोलिंग क्लियर समझाओ एक्शन। जरा सोच लो अगर ये सब बच्चे मकर संक्रांति में अपने माई बापू के पास हो गए तो इन्हें कितनी खुशी मिलेगी। पता है पिछले साल कितना मजा आया था। तुम्हें याद है पिछले से मकर संक्रांति पर कितना मजा आया था। वापिस याद है वापिस 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 हमने ले ले। तुम्हें याद है पिछले साल मकर संक्रांति में कितना मजा आया था। पूरा स्माइल के साथ है एक्शन। तुम्हें याद है पिछले साल मकर संक्रांति में कितना मजा आया था। आया था कि नहीं। सोचती है वो सोचती है सोचती है उसको क्लास आया और वो बोलती है इन सबको जाने दो इन सबको जाने दो इन्हें तुम जोखिम के बारे में मत सोचो इनकी खुशी के बारे में सोचो जो इनकी आंखों में है। जो इन बच्चों की आंखों में दिखती होंगी। तुम जोखिम के बारे में मत सोचो इनकी आंखों में खुशी देखो इनकी खुशी देखो जो उस खुशी के बारे में सोचो जो इन इन सब बच्चों की आंखों में होंगी। तुम जोखिम के बारे में मत सोचो इन सब की खुशी के बारे में सोचो जो इन बच्चों की आंखों में है। ठीक है और वो लाइन लाइन वापस मांगो उस खुशी के बारे में सोचो जो इन बच्चों की आंखों में है। तुम जोखिम के बारे में मत सोचो इमली उस खुशी के बारे में सोचो जो इन सब बच्चों की आंखों में होंगी। एक्शन पर मैं बहुत जोखिम हुए है। तुम जोखिम के बारे में मत सोचो इन सब बच्चों की आंखों के क्या इन सब बच्चों की खुशी के बारे में सोचो नहीं हो पाएगा इन बच्चों की खुशी के बारे में। एक्शन तुम जोखिम के बारे में मत सोचो इन सब की खुशी के बारे में सोचो जो इन बच्चों की आंखों में होगी। ठीक है चल। ये जो तुम्हारे दोस्त है ना जिन्हें बड़े पापा ने बंदूक बना के रखा है उसी कैद से हम छुड़ाने आए। कट आओ हम आओ। हाँ मालूम था ऐसे आओगी जानबूझ के गिरोगी तो मैं पकड़ूंगा। आराम से देखना लचक ना आ जाए। चलो हाँ जेपी आ जा बेटा इसको उठा रेड पर सर्कस को इसे उठा यहाँ से। चल एक ट्रॉली चलो निकलो 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 चल खन्ना खन्ना लेके आना उसको। हाँ ऐसा क्या जरूरी काम था जो इसी वक्त जाना जरूरी था जब हम सब यहाँ से निकल रहे हैं। अब अगर यहाँ से हिले हम जानना चाहेंगे ये सीन एक्चुअली काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग सीन है हम लोगों के लिए सर्कस में क्योंकि अब सर्कस पूरी तरह से बिखेर गई है और हम बेसिकली पैकअप करके जा रहे हैं। तो या इट्स अ लिटिल इमोशनल सीन लेकिन एट द सेम टाइम जैसे सर्कस में होता है लोग हम में हमेशा एक विल पावर और एक हम ऑप्टिमिस्टिक होते हैं सर्कस वाले तो वैसे ऑप्टिमिज्म के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं अपने लाइफ में। अच्छा तो क्या आपने रियल लाइफ में कभी ऐसा सर्कस के उसमें कुछ किया है। नहीं सर्कस में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है लेकिन ऑफ कोर्स बचपन में जब हम बहुत छोटे थे तो काफ़ी सर्कस देखने गए हैं
बस उतना ही एक्सपीरियंस रहा है सर्कस के बारे में. लेकिन हाँ ऑब्वियसली सर्कस के बारे में जैसे आप बड़े होते हो तो काफ़ी कुछ सुनाई देता है, काफ़ी कुछ समझ में आता है उनके बारे में, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में. एंड इट्स नॉट अ ईजी लाइफ फॉर श्योर. अच्छा तो इसके उसमें कुछ ऐसा आप रियल लाइफ का ऐसा कुछ खास होता है मतलब ये सीन में जो खासियत है? सीन की खासियत यही है कि हम शायद इस सीन में ये सिखा रहे हैं कि लाइफ कभी दी एंड नहीं होती है जब तक आप इस दुनिया में हैं. और हालांकि हमारी सर्कस वाइंड अप हो रहा है, हालांकि हमारी सर्कस ठीक से नहीं चल पा रहा है, लेकिन हम फिर भी अपना एक कॉन्फिडेंस रख के एक सपना अभी भी आँखों में है. हम लोग और आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि पैकअप करके बस सर्कस को भगा के लेके जा रहे हैं. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ यू नो कॉन्फिडेंस एंड बेसिकली सिखाते हैं इसमें कि आगे बढ़ने, हम सब आगे बढ़ने वाले हैं, तो यू शुड ऑलवेज कीप योर कॉन्फिडेंस एंड नेवर गिव अप. अच्छा जैसे कि मकर संक्रांति आ रही है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे ऑडियंस को अपने किस? मैं सबको विश करती हूँ फॉर मकर सॉरी मकर संक्रांति सबको विश करती हूँ फॉर मकर संक्रांति. मैं एक्चुअली पर्सनली इतना सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, बट मैं अपने दोस्तों के घर जाती हूँ एंड इट्स अ लॉट ऑफ गुड नाइस टिडबिट्स एंड बहुत मज़ा आता है, सब लोग आते हैं एक साथ. सो विश यू गाइस हैप्पी मकर संक्रांति. अच्छा वैसे ये देखा जाए आपके उड़ान सीरियल को जो देखते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, आपकी ऑडियंस आपको ढेर सारा प्यार देती है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? आप उड़ान ऐसे ही देखते रहिए और हमें प्यार देते रहिए एंड विश अस ऑल द बेस्ट. आई होप वी कीप एंटरटेनिंग यू एज वेल. थैंक यू. मैं सारे ऑडियंसिस को मकर संक्रांति विश करना चाहती हूँ एंड हैव अ ब्लास्ट. जैसे कि देखा जाए आपका ये पहनावा, सब बुला रहे हैं सेट पे, पहनावा है, तो इस पहनावे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बंजारा पहनावा है. हम जैसे सर्कस में लोग बंजारे होते हैं, काफ़ी लोग बंजारे होते हैं, तो वो अवतार है. तो दिस इज़ बेसिकली जैसे बंजारे अपने, वी आर कलरफुल पीपल, हम लोग बहुत कलर्स के साथ खेलते हैं. सो दैट्स माई लुक इन द शो. बंजारे इसमें रोल करने में कैसा प्ले कर रहे हैं? हम लोगों की एक्चुअली लाइफ कभी स्टेबिलिटी नहीं होती है बंजारों की लाइफ में. वी कीप मूविंग अराउंड, हम लोग एक जगह पर नहीं रहते हैं, तो काफ़ी एंटरटेनिंग भी है एंड एट द सेम टाइम काफ़ी कलरफुल है. एट द सेम टाइम हम लोग ये बिलीव करते हैं कि लाइफ मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन, यू नो उस बेसिस पे जीते हैं हम अपनी ज़िंदगी. तो बहुत अनसर्टेनिटी है लाइफ में, बट इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल अ लॉट ऑफ फन. थैंक यू. रोल ठीक है, लपेट लो, ऊपर चढ़ जा, हट जा, हट जा साले. रोल रोलिंग, ये फेंकने के बाद उठाना दादा. अरे श्रीवास्तव जी कितनी देर लगा रहे हैं आप, जल्दी से उठाइए उसे, रखिए ट्रक में. वनमो ट्रॉली बहुत स्लो है यार. वनमो एक बार और. अरे श्रीवास्तव जी कितने देर से आपको बैग पैक कर रहे हैं, जल्दी रख के आइए, चलिए. हस्ता कहाँ थे तुम? कल वनमो. अरे तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से सामान उठाओ, ट्रक में लोड करो, चलो फटाफट. अरे श्रीवास्तव जी कितने देर से आप बैग पैक कर रहे हैं, रखिए फटाफट. हस्ता कहाँ थे तुम? ऐसा क्या जरूरी काम था जो इसी वक्त जाना जरूरी था, जब हमें यहाँ पे ये सारी पैकिंग करनी है? अब अगर यहाँ से हिले ना तो जो तुम्हारी बच्ची कुछ सैलरी है वो भी नहीं दूंगा. चलो जाओ, सबकी मदद करो फटाफट ये सामान लोड करने में, चलो. हमको जाना पड़ेगा. कहाँ जाना पड़ेगा तैयारी करनी, अब किस चीज की तैयारी करनी है? एक बहुत पार्टी की तैयारी करनी. करना ब्लॉग. यस. जाना पड़ेगा से बस. ओके हाँ. थोड़ा और अंदर आना. सर हमें जाना पड़ेगा से. हाँ. एक्शन. अब ये जगह खाली करने में सबकी मदद. रोलिंग. एक मिनट एक मिनट. रोलिंग. खाना खाना राइट. खाना साहब हमें जाना पड़ेगा.
अब कहाँ जाना पड़ेगा तुम्हें? ओ शॉट चालू बेटा, रोलिंग रूम में बैठे। बंदा साहब हमें जाना पड़ेगा। अब कहाँ जाना पड़ेगा तुम्हें? तैयारी करनी है। अब किस चीज की तैयारी करनी है तुम्हें? एक बहुत धमाकेदार पार्टी की तैयारी। क्या है? आज है आखिरी दिन और फिर आपकी और मिस्टर के शादी की सालगिरह भी तो है। हमारी तो हुई नहीं। वो तो सही है लेकिन ये वक्त नहीं होता। चलिए खन्ना सर, कैसी बात कर रहे हैं? आज तो सेलिब्रेशन बनता ही है। अरे तो ना आखिर में नहीं नहीं रोनी तुम चलो, सामान सब लोग सामान रखो यहाँ पे। शेखर रोलिंग एक्शन। अच्छा ठीक है ठीक, अगर सब लोग कह रहे हैं तो एक आखिरी पार्टी कर रहे हैं। चलो सामान रखो, चलो जल्दी आओ दारू पियेंगे।